वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने रूस से हथियार ख़रीदने का ऐलान कर दिया। हम रूस से हथियार ज़रूर ख़रीदेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमरीका को झटका दे दिया, साथ में भारत की भी चीखें निकाल कर रख दी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने रूस से हथियारों की ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है और कहा है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान और रूस की अफवाज पहले ही रबते में हैं। रूस के सरकारी टी वी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि उनकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बिश्केक में होने वाली शंघाई तआवुन तंजीम के सरबरा अजलास में मुलाकात हुई, जिसमें गैर रस्मी गुफ्तगू हो। पाकिस्तान और रूस की अफवाज के माबैन मुश्तरका जंगी मशकों के हवाले से पूछे गए सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दोनों ममालिक की दिफाई ताल्लुकात में बेहतरी आई है और इनमें मजीद बेहतरी की उम्मीद है। 50, 60 और 70 की दिहाई का अरसा सर्द जंग की नजर हुआ। इस अरसे में इंडिया सोवियत यूनियन के करीब था और पाकिस्तान अमरीकी कैंप में था, लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है। अब पाकिस्तान और भारत दोनों के ही अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अब सर्द जंग जैसी सूरत हाल नहीं। हमने रूस के साथ अपने राब्तों में बेहतरी पैदा करने की कोशिश की है। रूसी हथियारों बिलखसूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इंडिया के साथ तनाव में कमी आए, ताकि हमें हथियार खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हम यही पैसा इंसानी तरक्की पर खर्च करना चाहते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम रूस से हथियारों की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। हमारी फौज पहले ही से रूसी फौज से राब्ते में है और हम रूस से जदीद तरीन हथियार जरूर खरीदेंगे।